दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा PNB MetLife 10 ईयर प्लान के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको PNB MetLife 10 ईयर प्लान के बारे में बताएंगे। हम आपको इस प्लान के फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इस प्लान को खरीदने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और इसमें लगने वाले प्रीमियम और इस प्लान को कैसे खरीदें, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों PNB MetLife के द्वारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के उद्देश्य से PNB MetLife सेविंग प्लान पेश की गई है। ये प्लान बहुत ही किफ़ायती प्रीमियम दर पर आपको एक किफ़ायती सेविंग प्लान का बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है। इस प्लान के माध्यम से आप 10 वर्षों तक प्रीमियम का पेमेंट करके आप 15 सालों तक आप कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके माध्यम से आप और आपकी फैमिली एक अच्छे लाइफस्टाइल को सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स को आप निर्धारित करने में इस प्लान की मदद ले सकते हैं। ये प्लान आपको लॉन्ग टर्म की सेविंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप एक रेगुलर प्रीमियम का पेमेंट करके अपने भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस सेविंग प्लान का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें PNB MetLife 10 ईयर प्लान की क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, तो PNB MetLife सेविंग प्लान में आप कम प्रीमियम पर अधिक समय तक का आप कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। इस प्लान में आपको 10 साल तक प्रीमियम का पेमेंट करना होता है, जबकि आपको 15 सालों तक कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार आपको इस प्लान में 10 साल तक प्रीमियम पेमेंट करने पर 15 साल तक का कवरेज आपको दिया जाता है। और दोस्तों अगर पॉलिसी अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी धारक के द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें बोनस का भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों PNB MetLife सेविंग प्लान के माध्यम से आप डबल बेनिफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के साथ साथ एक सेविंग प्लान का भी बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है। इसके माध्यम से आप इंश्योरेंस तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने भविष्य की फाइनेंशियल नीड्स के लिए आप सेविंग भी कर सकते हैं। दोस्तों PNB MetLife सेविंग प्लान आपको बहुत ही किफ़ायती प्रीमियम दर पर उपलब्ध होता है। इसके लिए आपको बहुत ही कम प्रीमियम का पेमेंट करना होता है जो आपकी बजट में होता है। दोस्तों PNB MetLife सेविंग प्लान एक लॉन्ग ड्यूरेशन की सेविंग प्लान की पेशकश करती है। इसके माध्यम से आप अपने लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल नीड्स के अनुसार आप सेविंग प्लान की आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों PNB MetLife सेविंग प्लान के माध्यम से आप अपने फैमिली को अपने एब्सेंस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके माध्यम से अगर आपको पॉलिसी अवधि के दौरान कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को आपके ना रहने पर भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि के पूरा होने तक जीवित रहता है तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों PNB MetLife सेविंग प्लान पॉलिसी धारक को लोन की भी सुविधा प्रोवाइड करती है। इसके माध्यम से आप पॉलिसी अवधि के कुछ समय बाद जरूरत पड़ने पर लोन का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। PNB MetLife सेविंग प्लान में पॉलिसी धारक को फ्री लुक पीरियड भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर आप इस प्लान के टर्म एंड कंडीशन से सहमत नहीं हैं तो आप 15 दिनों के भीतर पॉलिसी से बाहर निकलने का भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं। इस दौरान आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम को वापस कर दिया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा चार्ज लिया जाता है। दोस्तों अगर आप अपने PNB MetLife सेविंग प्लान के प्रीमियम का पेमेंट आप एक फिक्स्ड डेट तक करने में अगर आप असफल होते हैं तो आपको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इस दौरान अपने प्रीमियम का पेमेंट कर देते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगाया जाता है। दोस्तों इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C और 10D के तहत आप इनकम टैक्स में छूट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और दोस्तों बात करें PNB MetLife 10 ईयर प्लान के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, तो इसमें एंट्री के समय मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और एंट्री के समय मैक्सिमम एज 60 साल हो सकती है। और दोस्तों इसमें मैच्योरिटी के समय मैक्सिमम एज 75 साल हो सकती है। और इसमें प्रीमियम का पेमेंट आपको 10 सालों तक करना होता है, और इसमें आपको 15 सालों तक का कवर मिलता है। और इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो ये 64,800 रुपये है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपये है।
और दोस्तों इसमें मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो ये एनुअली आपको 6,000 रुपये पे करनी होती है, और अगर आप सेमी एनुअली पे करते हैं यानी कि हाफ ईयरली पे करते हैं तो आपको 10,000 रुपये पे करना होगा, और मंथली अगर आप पे करते हैं तो ये 15,000 रुपये है, और मैक्सिमम प्रीमियम की बात करें तो ये 23,999 रुपये पर लाइफ है। दोस्तों बात करें पीएनबी मिडलाइफ 10 ईयर प्लान के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आपके द्वारा भरा गया एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी एज सर्टिफिकेट और आपकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और आपका बैंक अकाउंट का डिटेल और अन्य केवाईसी डिटेल्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, टैक्स डिटेल्स इत्यादि, और आपकी पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड की हिस्ट्री आपसे मांगी जाएगी, और आपकी आपकी कलरफुल फोटोग्राफ्स की ज़रूरत होगी। और दोस्तों आप पीएनबी मेटलाइफ सेविंग प्लान के लिए प्रीमियम पेमेंट को अपनी सुविधा के अनुसार आप चुन सकते हैं। इस प्लान में आपको 10 सालों तक प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है और आपको 15 सालों तक आपको कवरेज दिया जाता है, और आपको पीएनबी मेटलाइफ सेविंग प्लान के द्वारा आपको 10 सालों तक प्रीमियम पेमेंट करने के लिए कई प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार पीएनबी मेटलाइफ सेविंग प्लान के प्रीमियम पेमेंट को आप एनुअली, हाफ ईयरली या मंथली रूप से पेमेंट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। दोस्तों आप पीएनबी मेटलाइफ सेविंग प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मोड से खरीदने के लिए आपको पीएनबी मेटलाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर पीएनबी मेटलाइफ सेविंग प्लान का सिलेक्शन करके आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन मोड से पीएनबी मेटलाइफ सेविंग प्लान को खरीदने के लिए आपको अपने नज़दीकी पीएनबी बैंक की ब्रांच में जाना होगा। आप वहां पर जाकर आसानी से पीएनबी मेटलाइफ सेविंग प्लान को आप ऑफलाइन मोड से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना पीएनबी मेटलाइफ 10 ईयर प्लान के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हमने डिटेल से जाना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।